नमस्कार, आप देख रहे हैं तुरुत लाइव न्यूज नेटवर्क। मोतिहारी कोटवा थाना क्षेत्र के राजपुर मठिया के समीप NH 28 से बीते 25 अगस्त को लूटे गए प्याज से लदे हुए ट्रक मामले में मोतिहारी जिला पुलिस ने पटाक्षेप करते हुए ट्रक व लूटे गए 440 बोरा प्याज को बरामद कर लिया है। साथ ही मामले में संलिप्त दो अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सदर DSP अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों में पिपरा थाना क्षेत्र के मुरारपुर गांव निवासी उमेश रामू और रघुनाथपुर OP थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्मीपुर गदरिया निवासी संजय सहनी के नाम शामिल है। छापेमारी टीम में मुसाफिल थानाध्यक्ष उग्रनाथ झा, कोटवा थाना अध्यक्ष अनुज कुमार, डुमरीघाट थाना अध्यक्ष राकेश कुमार, पुसनी कोटवा थाना के हरेंद्र कुमार एवं डुमरिया घाट थाना के पुसनी कमलेश कुमार एवं बेतिया पुलिस टीम का सहयोग रहा। तिरहुत लाइव के लिए संवाददाता नितेश वर्मा की रिपोर्ट। 26/8/22 की रात्रि कुछ अज्ञात अपराधकर्मियों ने राजापुर मठिया NH 28 थाना कोटवा से एक प्याज लदे ट्रक को ओवर पावर कर करके उसके ड्राइवर खलासी को अपने स्कॉर्पियो में बैठा करके लूट ली गई। इस सूचना की सब पर तुरंत तत्क्षण कार्रवाई करते हुए ट्रक में लगे GPS के आधार पर इसका ट्रैक किया गया और ट्रैक कर करके बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से उसको बरामद की गई है। ट्रक लगे हुए प्याज और अभियुक्त के साथ। सर, प्याज कहाँ से लोड हो रहा था और कहाँ जा रहा था क्या? एक मिनट बाकी भी बता दें। अच्छा, अपराधियों के पूर्व विवेक भी ऐसा लदा हुआ जो प्याज है वो मध्य प्रदेश से लोड किया गया था और समस्तीपुर ले जाया जा रहा था। इसमें दो अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। एक उमेश राम है, ये मथुरापुर पिपरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और दूसरा संजय सहनी है, ये रघुनाथपुर OP का रहने वाला है। ट्रक पर 440 बोरा प्याज लदा हुआ था जो करीब 25 टन है और ट्रक है UP नंबर का UP 32KN 9616। जी, पहले से भी लोग जो अनुसंधान के क्रम में बात आई है कि ये पहले से भी सक्रिय अपराधकर्मी रहे हैं और काफ़ी कांड में ये वांछित रहे हैं। सर, भारत सरकार का गाड़ी पे जी स्कॉर्पियो पर जो इन लोगों ने लिखा था वो भारत सरकार लिखे हुआ था। इसी के चलते प्याज लगे ट्रक के ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया जिसके कारण ये उनकी गाड़ी पर सवार होकर के ओवर पावर को करने में सफल हुए। अच्छा सर, वो गाड़ी की पहचान हुई है क्या? जी हाँ, गाड़ी की भी पहचान हो गई है और बाकी जो अपराधकर्मी हैं उनकी भी पहचान हो गई है। बहुत जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी।